नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में, क्योंकि इंटर के रिजल्ट जारी होने के बाद से अब दसवीं के रिजल्ट का इंतजार हर किसी के मन में है। तो आइए अब जानते हैं कि दसवीं के रिजल्ट कब जारी होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरे देश में सबसे पहले बारहवीं के छात्रों का परिणाम घोषित किया है। अब एक बार फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दसवीं के परिणाम जारी करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि करीब 16.5 लाख छात्र दसवीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बहुत ही जल्द रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। बोर्ड ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि दसवीं के रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में जारी होने वाले थे, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल तक इसके रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी होने से पहले टॉपर्स की कॉपियों की रीचेकिंग की जाती है। इसके बाद मेरिट लिस्ट की तैयारी की जाती है। इसके बाद टॉपर के इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉपरों के कॉपियों को चेक कर ली होगी और इंटरव्यू की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई होगी, तो 5 अप्रैल को दसवीं के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। इससे पहले 20 मार्च 2021 को दसवीं के आंसर की जारी किए गए थे। इस आंसर की के आधार पर 22 मार्च तक स्टूडेंट ने अपनी आपत्तियां भी बोर्ड को दर्ज कर दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माने तो इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 16,84,000 स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से करीब 8,86,000 छात्र और करीब 8,38,000 छात्राएं शामिल हुए थे। आपको बता दें कि दसवीं की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक चली थी। पिछले साल बिहार बोर्ड दसवीं के रिजल्ट 26 मई को घोषित कर दिए गए थे। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट जारी करने में देरी हुई थी। पिछले साल मैट्रिक परीक्षा में 80.59% छात्र पास हुए थे, जिसमें से 4,03,392 छात्र प्रथम श्रेणी से पास हुए, तो वहीं 5,24,219 लोग सेकंड डिवीजन से पास हुए थे। वहीं पे 2,75,402 छात्र जो है वो थर्ड डिवीजन से पास हुए थे। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल 96.20% नंबर के साथ हिमांशु राज ने टॉप किया था। कोरोना काल में भी सबसे तेजी से परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने और रिजल्ट घोषित करने के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इतिहास रचा है। अगले एक सप्ताह के भीतर मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार बोर्ड के नाम सबसे जल्दी मैट्रिक रिजल्ट जारी करने का एक और रिकॉर्ड बन जाएगा। परीक्षा परिणाम में हो रही देरी को लेकर बताया जा रहा है कि होली की छुट्टियों की वजह से 3 से 4 दिनों संभावित देरी हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि बिहार बोर्ड दसवीं टॉपर के लिए सत्यापन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद और तारीख तय होने के एक दिन पहले इसकी आधिकारिक सूचना सार्वजनिक तौर पर मुहैया करा दी जाएगी। बीएसएबी की ओर से दसवीं की परीक्षा के परिणाम सबसे पहले आधिकारिक सूचना ट्विटर और फेसबुक हैंडल से प्रकाशित किए जाएंगे। अगर हम पिछले साल के रिजल्ट को देखें तो इंटर के परीक्षा परिणाम के 10 दिनों के भीतर मैट्रिक के रिजल्ट जारी किए गए थे। ऐसे में इस साल बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट 26 मार्च 2021 को प्रकाशित किया जा चुका है। अगर बीएसएबी पिछले साल के अनुसार रिजल्ट जारी करता है तो 5 अप्रैल तक बीएसएबी रिजल्ट जारी कर देगा। अगर 5 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया जाता है तो आप बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट online.in और फिर biharboardonline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।